वीडियो ना इसी आधार पर हम लड़ाई पार्टी पर आएंगे। स्टोरेज है तो ठीक है, आप छट रहे हो। हां भैया, आप छट दिए गए और क्या के क्या के छट दिए हो। नहीं सर, डीजल इसकी क्या हमने ले लेंगे। मैं माननीय सांसद आदरणीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, जो अल्पसंख्यक समुदाय के मसीहा बनना चाहते हैं, उनको यह पता नहीं है कि हर मुसलमान का मसीहा सिर्फ एक खुदा है। साथ ही माननीय सांसद पप्पू यादव जी ये बात नहीं जान रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग माननीय मंत्री बिहार सरकार श्रीमती लेसी सिंह जी से के हितैषी हैं। अल्पसंख्यक समुदाय का विकास इसका प्रमाण है। और माननीय सांसद जी, आप गलतफहमी में मत रहिए, इसलिए कि देश के राजनीति के तहत हमारे मुसलमान भाई ने आपको मदद किया, सांसद बनाया। लेकिन इससे पूर्व जो आप सांसद थे, तो किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय में जो आप विकास किए हैं उसको गिना दीजिए। आदरणीय पप्पू जी, आपने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को जिताने के लिए हमारे अल्पसंख्यक समुदाय लोगों से आपने अपील किया था, लेकिन आपके कार्यकर्ता, आपके नेता खुलेआम निर्दलीय प्रत्याशी के साथ रहा वोट दिलाने का काम किया। यह बात मैं दावे के साथ कहूंगा। समय अगर आएगा, किसी अगर नाम बताने का भी जरूरत पड़ेगा तो मैं नाम भी बता दूंगा। माननीय सांसद जी, अपने महत्वाकांक्षा के लिए हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को दिग्भ्रमित मत कीजिए। माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, बिहार सरकार इस जिले में, इस सीमांचल कोसी में और खास करके पूर्णिया जिला में गरीब दलित के प्रति इनका जीवन समर्पित है। देखा जाए तो पूर्णिया जिला में जो भी गरीब गुरबा है, एकमात्र नेता है लेसी सिंह, जिन्होंने गरीब गुरबा दलित, खास करके दलित महादलित के लोग इनके यहाँ पड़े हुए रहते हैं और इनसे ही समस्या उनका मैंने सुलझता है। लोगों को पर्चा दिलवाने का काम, जो जिसको घर नहीं था उसको घर दिलाने का काम किया, जमीन नहीं था जमीन दिलाने का काम किया। आज जो माननीय सांसद पूर्णिया पप्पू यादव जी बोलते हैं तो उनका बोलना गलत है। वो 20 साल कहाँ थे, पूर्णिया में नहीं थे। इसका मतलब यह नहीं है कि पूर्णिया 20 साल पहले और अभी इस जोन का, इस कोसी सीमांचल का नेत्री एकमात्र लेसी सिंह जी, जो दलित महादलित का रहनुमा कहा जाए तो वो भी कम है उनके लिए। और हमें भोला पासवान शास्त्री नाम था, जो बिहार का तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहे, वो बिहार के विभूति थे। उनका एक आदम कद लगाने का कोई नेता सुधी ने लिया। बहुत नेता बने पूर्णिया में, बहुत बड़ा बड़ा लक्ष्यदार भाषण दिए, कोई एक दलित जो बिहार के मुख्यमंत्री बने उनका कोई सुधी ने लिया, उनका एक कोई प्रतिमा लगाने का काम नहीं किया और उनके नाम से कोई सरकारी संस्था बनाने का काम नहीं किया। आज आदरणीय लेसी सिंह जी 2011 में यही रंगभूमि मैदान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, वहां उन्होंने एक मांग रखी थी कि भोला पासवान शास्त्री के नाम से कुछ पूर्णिया में नहीं है। वो पूर्णिया के वासी थे, निवासी थे भोला पासवान शास्त्री जी, उनके नाम से कोई संस्था हो जिनका नाम भोला पासवान शास्त्री हो। आज आप लोग के बीच में कृषि महाविद्यालय भोला पासवान शास्त्री, ये लेसी सिंह जी का मांग है, उन्होंने मुख्यमंत्री के पास रखा और मांग पूरा हुआ, आज बना। आज बैरगाछी में उनके परिजन जो है उनको रहने के लिए आवास नहीं था, वो माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी तत्कालीन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मांग पत्र, मेरे द्वारा मांग पत्र दिला करके वहां जो विकास भवन बनाने का काम किया, जिनमें उनका शास्त्री जी का परिवार अभी रहते। उस समय माननीय सांसद पप्पू यादव जी नहीं थे, तो जो इतना काम किया उस पर लालछन लगाना कि एक जाति का है लेसी सिंह किसी। जब से ये विधानसभा का रुपोली का चुनाव शुरू हुआ था, तब से मीडिया में बराबर हमारे माननीय सांसद जो वर्तमान पूर्णिया है
उनका बयान आते रहता है, उसमें हर बयान लगातार वो नाम तो नहीं लेते हैं लेकिन आर में मंत्री जी पर ही, माननीय मंत्री लेसी जी सिंह पर ही अटैक करते हैं, जातिगत आधार पर भी कि ये उस जात का वोट वहां नहीं दिला सके, मंत्री कहे हैं उनको नहीं रहना चाहिए, और मंत्री रहना नहीं रहना ये तो मुख्यमंत्री का काम है, तो वो किसको कैबिनेट का हिस्सा बनाते हैं, किसको बाहर करते हैं, ये उनका काम है, उनकी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन वो बहुत चिंतित रहते हैं कि इनको नहीं रहना चाहिए, एक जाति विशेष का वोट टर्न अप नहीं करा पाते हैं। तो मौखिक रूप से बोल देना अलग बात है, लेकिन मैं आप तमाम मीडिया के साथियों, आप लोगों को तो पता होगा ही, फिर भी कुछ बूथ चिन्हित करता हूं जिन पर यह देखा जाना चाहिए कि वो राजपूत बहुल गांव है और राजपूत बहुल टोला है, राजपूत बहुल बूथ है, उन बूथों पर जदयू के जो प्रत्याशी थे हमारे उनको कितना वोट मिला और उनके एंटी को कितना वोट मिला यह देखा जाना चाहिए। बालू टोल है, सिरसिया है, कसबरा के बूथ है और कई ऐसे बूथ है। सर सामने मैंने दो तीन उदाहरण दिया, सर इधर सामने देखिए। तो यह कह देना कि जाति के आधार पर मंत्री बना रहे हैं तो इसलिए इनको नहीं रहना चाहिए, तो मैं स्मरण करा दूं कि 2005 में विधायक का चुनाव धमदाहा क्षेत्र से लेसी जी हार गए थे और 2007 में लेसी सिंह को बिहार में महिलाओं को जोड़ने और संगठन के काम के आधार पर ही एक पुशबैक मिला कि आप महिला आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए और संगठन का काम अध्यक्ष बनाया गया और संगठन का काम देखा गया, महिलाओं को जोड़ दिया गया। फिर 2007 में जब कैबिनेट विस्तार होने लगा उस समय अगर जाति को आधार राजपूत बना के किया गया होता तो नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी और गौतम सिंह जी उस कोटे के रूप में, अगर कोटा भी होगा तो कोटे के रूप में वो दो मंत्री कैबिनेट खड़ा थे, तो वहां तीसरे मंत्री की जरूरत नहीं थी। लेकिन रेणु कुशवाहा जी रिजाइन कर दिए और एक भी महिला कैबिनेट मिनिस्टर वहां नहीं था। उस आलोक में महिला कैबिनेट के पद को खाली नहीं रखना था तो श्रीमती माननीय लेसी सिंह जी को वो जिम्मेदारी दे दी गई।